subscribe our channel VTV Odia and don't forget to press bell icon. एक हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे बहुत दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आज पूरी दुनिया जो कोरोना की महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही उसमें हमारा देश भारत जो 100 की आबादी पे वैक्सीन का डोज देने की जो दुनिया के देशों की जो नंबरिंग दी गई है उसमें हमारा देश 77 माने 77 नंबर की पैदान पे गिरा हुआ है और इस बात का मुझे एक भारतीय होने के नाते दुख हो रहा है कि हम दुनिया के देशों में 77 नंबर पे नीचे गिरे हुए हैं वैक्सीन के डोज देने में। ये हमारी हालत दुनिया के 4 देश ऐसे भी हैं कि जिन्होंने 100 की आबादी पे पूरे 100 डोज दिए हो या उससे ऊपर भी गए हो और उन देशों में सेशल्स, इजराइल, यूएई और सैन मेरिनो, अमेरिका और यूके से लेके मालदीव्स तक बहुत सारे देश ऐसे हैं कि जिन्होंने 100 की आबादी पे 80 कोरोना वैक्सीन के डोजेस दिए हैं, माने कि 80% को वो छू चुके हैं या उससे ऊपर गए हुए हैं। ऐसे बहुत सारे देश हैं जिसमें अमेरिका और यूके से लेके मैंने जैसे कहा मालदीव तक हमारे देश में जिनको एक डोज मिला है ऐसे 100 की आबादी पे 10 लोग 10% और जिनको दोनों डोज मिल गया वो 2.7%। इन दोनों को हम जोड़ ले तो हमारा देश कोरोना के वैक्सीन के डोज देने में 13% का भी आंकड़ा नहीं छू रहा है। और ये सब हमारे देश में हो रहा है जिस देश के पास वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी अव्वल नंबर की। आज जो दोनों वैक्सीन हमारे देश में बन रही है वो दोनों इंस्टीट्यूट, दोनों लेबोरेटरीज जो है वो मोदी जी के आने से पहले, वो कहते हैं ना 77 साल में क्या किया था, तो ये उस वक्त हुई थी, वही दोनों लेबोरेटरीज में से ये वैक्सीन बन रहे हैं। हमारी कैपेसिटी बहुत बेहतरीन है और इसी को देखते हुए जो पार्लियामेंट की हमारी स्टैंडिंग कमेटी है, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, जो हेल्थ की रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है, उसने 16 अक्टूबर को डिपार्टमेंट के साथ बात की और उसके बाद ये डिपार्टमेंट को 16 अक्टूबर 2020 को कहा गया कि इस देश में वैक्सीन जो पैदा हो रहा है या जहां पे जो कर रहे हैं उसको आप युद्ध के तौर पे इसकी बढ़ोतरी कीजिए, जल्द से जल्द इसमें बढ़ोतरी कीजिए। अक्टूबर 2020 को स्टैंडिंग कमेटी ने कहा और ये भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी दीजिए। स्टैंडिंग कमेटी ने यह भी कहा कि हर देशवासी को सरकार ये सुनिश्चित करे कि देश के हर नागरिक को ये वैक्सीन मिलनी चाहिए। ये बात स्टैंडिंग कमेटी की सरकार ने क्यों नहीं मानी, सवाल वहां पे उठता। अगर वो बात मान ली होती तो आज पूरी दुनिया में जिन देशों ने अच्छे से वैक्सीन किया 100 पे 60 या उसके ऊपर नंबर तक जो गए हैं वहां पे ना महामारी से किसी की जान जा रही है ज्यादा और ना ही वहां पे कोई लॉकडाउन या दूसरे मेजर की जरूरत हो रही है, वहां नॉर्मल लाइफ हो रही है। अगर स्टैंडिंग कमेटी ने, मैं आपको उसकी प्रतिलिपि आप सभी मीडिया के साथियों को और पब्लिक डोमेन में रखना, उस स्टैंडिंग कमेटी में भाजपा के ज्यादा लोग थे, माने सभी पार्टीज की पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटीज, उसमें यह कहा गया था उस बात को
हमारे देश का इतिहास रहा। हमने जिसे चेचला या हमारे गुजरात में बिहार में शीतला कहते हैं, वो आया या पोलियो आया, इसका वैक्सीन जब हमने शुरू किया, ना स्मार्टफोन था ना इंटरनेट था, पर हमारे देश ने चाहे वो चेचला हो या पोलियो हो या दूसरे वैक्सीन देने की बात आई, तो पूरी दुनिया में भारत को बहुत गौर के साथ दुनिया ने बधाई दी कि आपने जो काम किया है वो बेहतरीन काम किया। वही देश आज इतनी बुरी हालत से क्यों गुजर रहा है? दुनिया के जिन देशों ने वैक्सीन बनाई या बनाने की जिनकी क्षमता थी, उन्होंने पहले अपने देश के नागरिकों की चिंता की। अमरीका जैसा समृद्ध देश ने भी ये एक पॉलिसी बनाई, अमरीका फर्स्ट। अमरीका ने जब अपने देश के नागरिकों को पूरी तरह से, जब तक आसानी से वैक्सीन के डोज ना मिले, ऐसी व्यवस्था ना हुई, तब तक एक डोज भी वैक्सीन का अमरीका ने बाहर नहीं जाने। मेरा सीधा सवाल सरकार से कि आपने करोड़ों डोज, अगर मेरे गुजरात की 6 करोड़ की बस्ती है, अगर आपको उसकी पूरी की पूरी पैदा हुआ है वहां से, वृद्ध आदमी है, सबको अगर वैक्सीन दे देते तो भी आपके पास वैक्सीन बचती, इतनी वैक्सीन तो आपने बाहर बाहर के देशों को दी, क्यों आपको चिंता नहीं हुई कि बाहर के देश में हम जो बेच रहे हैं, पहले मेरे देशवासी को मिलना चाहिए। अगर अमेरिका कहता है कि अमेरिका फर्स्ट, पहले अमेरिकन को वैक्सीन का डोज मिलेगा, तो मेरा देश क्यों ही नहीं कह सकता है कि इंडिया फर्स्ट, मेरे भारतवासी को पहले देना चाहिए। करोड़ों डोज बाहर भेज दिए और आज मेरा देश का हर नागरिक एक वैक्सीन का डोज लेने के लिए दर दर की ठोकरें क्यों खाए? कौन है इसके लिए जिम्मेवार? जैसे इस दिल्ली की गादी पे एक सुल्तान आया था, तुगलक कहा जाता है उसको, जिसने दिल्ली से दौलताबाद किया और फिर दौलताबाद से राजधानी दिल्ली किया, उसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने भी हमारे देश से करोड़ों डोज वैक्सीन के पहले बाहर भेज दिए, अब बाहर के देशों से वही डोज वापस ला रहे हैं। तुगलक की तरह हमारे देश के सुल्तान जो काम कर रहे हैं, इससे देश बर्बाद हो रहा। मेरे हमारे प्रधानमंत्री जी से कुछ सवाल है। मेरा पहला सवाल है कि आपने इंडिया फर्स्ट अमेरिका की तरह क्यों नहीं किया? आपने क्यों वैक्सीन बाहर भेजी जब देशवासी को जरूरत? मेरा दूसरा सवाल है कि देश की संसद की पार्लियामेंट्री कमेटी ने, स्टैंडिंग कमेटी ने 16 अक्टूबर को आपको कहा था कि देशवासी को पहले वैक्सीन का डोज मिले, इसलिए आप इसका पूरी तरह से एक तो पारदर्शिता लाइए। 3 बातें की थी, तीनों पैराग्राफ में आपको भेज रहा हूं। पहली बात थी पारदर्शिता लाओ, दूसरी बात थी युद्ध के तौर पे मैन्युफैक्चरिंग वैक्सीन डोज का बढ़ाओ, तीसरी बात थी कि आप पूरी सब्सिडी दो और पूरे देश को वैक्सीन हर नागरिक को मिले उसका इंतजाम करो। वो क्यों नहीं किया, इसका जवाब प्रधानमंत्री जी दे। मेरा तीसरा सवाल है, बिहार का चुनाव था, आपके वित्त मंत्री ने और आपने अनाउंस किया था कि पूरे देश में भारत सरकार माने सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री में वैक्सीन देगी, ये क्या जुमला था आपका? आज क्यों आप राज्यों के ऊपर बर्डन डाल रहे थे? आपने तो पहले ये कहा था, तो राज्य भी सभी स्टेट मान के चल रहे थे कि 100% भारत सरकार, और आपका बजट का प्रावधान भी था, राज्यों ने अपने बजट में प्रावधान भी नहीं किया क्योंकि आप फ्री पूरे देश को देने वाले थे। अब आपका पाप का ठिकरा स्टेट गवर्नमेंट्स पे क्यों फोड़ रहे हो, उसका जवाब दीजिए। मेरा एक और सवाल है कि आज जिस तरह से आप कंफ्यूजन पैदा करते हो, उसे बाहर क्यों नहीं निकलते? पहले आपने जुमला दिया, मित्रों
21 दिन में कोरोना पे जीत लेंगे, हुआ नहीं। आपने कहा जो जहां है वहीं रहे, जान है तो जहान है, लॉकडाउन ही जरूरी है। और अब कहते हो तो कि मरना है तो मरो, नेशन वाइज लॉकडाउन नहीं करेंगे। क्यों? हर रोज का लेके हर रोज खाने वाला है उसके खाते में डायरेक्ट पैसे न्याय योजना की तरह तहत क्यों नहीं डाल रहे? आप किसान को बर्बाद देते हुए होते हुए देख रहे हो, उसकी जेब से लूट रहे हो और फिर 54 जेब में डालने के लिए आप मीडिया के सामने लाइव होते हो। आपने क्यों खाद की कीमतों में 46-58% बढ़ोतरी क्यों की? इसका जवाब दीजिए। 1400 करोड़ आपने फार्मर्स के ऊपर बोझ क्यों डाला? इसका जवाब दीजिए। और उसके बाद 54 वापिस करने की बात करते हो, इसका जवाब देश को दीजिए। मीडिया के साथियों का प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़ने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं।